बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और मेरी फैमिली पे भी बातें आ रही है, तो वो सुनना बहुत मुश्किल है लोगों को पता है। सुम्बुल तौकीर खान और फहमान खान के बीच एक गाने की वजह से आई दरार। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि रिपोर्ट सामने आई थी कि सुम्बुल और फहमान का एक गाना साथ में आने वाला है, जिसे फहमान के दोस्त तबिस पासा ही डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में तबिस ने एक ट्वीट कर बताया कि अब ये गाना सामने नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि और इस गाने में सुम्बुल को भी रिप्लेस किया जा रहा है। तबिस ने अपने ट्वीट के जरिए ये दावा किया है कि सुम्बुल के पिता इस गाने को नहीं बनने दे रहे हैं, जिसके बाद ही सुम्बुल ने भी एक वीडियो बनाकर ये बता दिया है कि गाना आएगा। कुछ लोगों ने इस गाने से बैकआउट कर दिया है, लेकिन हम अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। वहीं सुम्बुल ने बताया कि इस गाने को आतिफ असलम डायरेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा सुम्बुल ने, आप खुद ही देखिए इस वीडियो में। हाय गाइस, तो सबसे पहले तो मेरा बिल्कुल ऐसा दिल नहीं करता ये सब वीडियोस बनाने का, पर जब सब अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो मैं भी बोल देती हूँ। एक क्लैरिटी देनी थी कि मेरा और फमान का गाना एक मेरी तरफ से आने वाला था, जो निसार को भी शूट है। एक हमने काफ़ी वेल नोन सिंगर का ही गाना लिया था और हमने ताबिश के गाने को प्रायरिटी नहीं दी थी, इस गाने को दी थी, इसलिए इस चक्कर में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और मेरी फैमिली पर भी बातें आ रही है, तो वो सुनना बहुत मुश्किल है लोगों को पता है। बिलीव नहीं है तो जाके आप आतिफ सर से पूछ लें, आतिफ सर ये गाने को डायरेक्ट करने वाले हैं। और गाना अभी भी शूट होना है, 19 को शूट होगा गाना। अभी कुछ लोगों ने बैकआउट कर दिया है गाने से, ठीक है, अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ठीक है, बस ये बोलना था कि फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, तो प्लीज़ मेरी फैमिली को मत घसीटो यार। तो दोस्तों देखा आपने, हम भी यही चाहते हैं कि सुम्बुल और फहमान के बीच में जो भी कंफ्यूजन है वो जल्द ही से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि सभी फैंस को इन दोनों की जोड़ी बेहद पसंद है। तो दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए, या आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज़। धन्यवाद।